नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बर्निंग स्पाइसेस में। ये बेसिकली मसाला चौक वॉल्यूम 2 पार्ट 2 का एक एपिसोड है। इसमें मैं कवर करने वाला हूँ कलकत्ता चाट का दाल पनीर चीला, मूंग दाल पनीर चीला। इसमें मैं ये पूरा कवर करूँगा, साथ ही साथ आपको दिखाऊँगा इसकी मेकिंग कि कैसे भैया ये बनाते हैं, क्या क्या इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट होते हैं। आफ्टर मेकिंग मैं इसका करने वाला हूँ रिव्यू। होप आपने पार्ट 1 को लाइक किया होगा, और अगर आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है वॉल्यूम 2 पार्ट 1, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए साथ मिलकर ट्राई करते हैं। तो गाइस, अब मैं आ गया हूँ इनसाइड द किचन और आपको बताऊँगा कि कैसे भैया पनीर चीला पनीर बनाएंगे। पनीर चीले कहते हैं ना भैया उसे, हाँ, पनीर मूंगलेट चीला कैसे बनाएंगे, क्या क्या इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट होते हैं। तो चलिए साथ मिलकर सीखते हैं। ये दाल का पेस्ट है, इसके अंदर 41 तरह के मसाले हैं इसके अंदर, बाकी इसमें टोटल मिला के 81 मसाले होते हैं इसके अंदर टोटल। सब कंप्लीट हो गया उसके अंदर, पूरा कंप्लीट, दही वगैरह सब आ गया इसके अंदर। ये पेस्ट है इसको तैयार करने के लिए। वहाँ बेसिकली उड़द दाल ही होती है इसमें? नहीं नहीं, मूंग दाल, मूंग दाल छिलके वाली मूंग दाल। अब इस पे इसका ऊपर प्याज और मिर्ची का ये आएगा, उसके बाद में पनीर आएगा। गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से पनीर डाला जा रहा है, पूरी तरह से इसको पीस के डाल रहे हैं। ये प्लेट जो लगाते हैं इसके अंदर, पहले तो मिक्स देते हैं पांचों चीजों का, पंचरंगी बोलते हैं इसको। ये चना चोला राजमा केर सांगरी मूंग मोगर है, और ये ग्रीन चटनी है इसके अंदर, तीन चार चटनियों का वो उसका मिक्स होता है। ये लहसुन की चटनी है, ये डाबर पर चमनप्रास और खजूर है। अच्छा, खजूर की चटनी है? जी। और इसके बाद में इसमें दही डाल देते हैं, ये तो इसका मिक्स का पचरंगी हो गया। यानी एक तरह से चटनी ना कहें, सब्जी ना कहें, एक तरह से पचरंगी मिक्स कह सकते हैं। जी 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 जी। और ये दही हो गया अलग से, अलग से। इसके बाद में हम अलग से इसमें देते हैं, जैसे चटनी हो गई, इसके बाद में ग्रीन चटनी हो गई, इसके बाद में चना छोला राजमा केर सांगरी मूंग मोगर, ये इसका हो गया। फिर इसके बाद में मीठा जो ये खजूर का चटनी हो गया। अच्छा, इसको अलग से भी देते हैं? जी। और इनको इसके साथ में रख देते हैं, ये जो देते हैं इसमें ये नमक और इसका जो मसाला है अपना जीरा वो डाल देते हैं, और ये रख देते हैं। ये तैयार हो रहा है। सबसे भैया ने प्लेट लगाई, पैरेलल वे में हमारा चीला भी सिक रहा था, और आप देख सकते कैसे उसका कलर हो चुका है पूरी तरीके से ब्राउनिश, कहते हैं रेड टाइप, ना एक्चुअल रेड ना एक्चुअल कलर, इसका एक पूरी तरह से सिका हुआ वो कलर आ चुका है। ये चार भागों में कटिंग होती है इसकी, ऊपर फोल्ड करके इसको काट देते हैं और अब इसको सर्व कर देंगे इसके अंदर प्लेट में। ये बिल्कुल टेस्टी हेल्दी, ट्रेडिशनल टेस्टी एंड हेल्दी फूड है। तो गाइस, हमारे लिए प्लेट लग चुकी है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये ऊपर से डेकोरेट किया गया है, और जो पनीर का कलर है वो टोटली ब्राउनिश रेड हो चुका है। ये जो आप भैया ने जो एडवांस में दी है, जैसे चटनी हो गया टू टाइप्स ऑफ, और ये केर सांगरी का समथिंग मिक्सचर हो गया, और ये खजू की चटनी हो गई, ये अलग से भी दिया है, और ये एक कटोरी में मिक्स करके भी दिया है ताकि ये कम ना पड़े। और टेस्ट वाकई में इसका भैया ने बताया बहुत अल्टीमेट, बट मैंने इसको पहले कभी ट्राई नहीं किया है, और ज़रूरी डेफिनेटली मैं तो ट्राई करने वाला हूँ। तो चलिए साथ मिलकर ट्राई करते हैं। गाइस, ये देख सकते हैं आप जो कोटिंग है ना, ये जो कलर है, ये मूंग दाल की वजह से पीला है। जैसा भैया ने बताया, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो पल्सेस या लेंटिल कह लो, उसका टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया सारी दाल का रेशियो, जिसमें मूंग दाल का हाईएस्ट होता है, उसको मिला के एक पेस्ट बनाया जाता है, एंड देन उसको फिर तवे पे पूरी तरह से बेक किया जाता है। बट कुछ कुछ मुझे इसमें बेसन का टेस्ट भी देखने को मिल रहा है। अब मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ जो भैया ने जो चटनी दिया, जिसे केर सांगरी कहते हैं, उसके साथ। टेस्ट ऐसा कुछ कुछ नमकीन जैसा लगा, बट प्रॉपर टेस्ट मुझे अभी तक मिला नहीं, इसलिए मैं दूसरी बार ट्राई करूँगा।
देखने में ये छोटे छोटे राजमा और चने होते हैं ना उस जैसे लग रहे हैं, पर वो एक्चुअली है नहीं ये। सबसे डिफरेंट टेस्ट, लिटिल बिट स्पाइसी, मुँह में घुलते ही मेल्ट हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनको बनाने से पहले इसको ढंग से बॉईल किया गया, ढंग से पकाया गया। अब मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ ग्रीन चटनी के साथ। ये मुझे सबसे सही लगी, इसमें मिंट का जो फ्लेवर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा है। मैं यूजुअली मिंट चटनी में मिंट का जो रेशियो होता है ना वो हाई प्रेफर करता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर प्रेफर करता हूँ। यूजुअली हर लोग ये मिंट चटनी इतने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के साथ पसंद नहीं करते। प्योर गार्लिक, आप कहीं चले जाइए जहाँ आपको गार्लिक और रेड चिली का पेस्ट मिलेगा ना, वो उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन्स किया होगा या कुछ ना कुछ प्योर गार्लिक नहीं देखने को मिलेगा 100%। उसमें कुछ ना कुछ या तो लाल मिर्ची मिलाई होगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मिलाया होगा जिससे गार्लिक का जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाए, बट इसमें 100% गार्लिक का टेस्ट देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग। अब मैं इसे ट्राई करूँगा खजूर की चटनी के साथ। इमली, खजूर और एक होता है सौंठ, उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है। इसके अलावा काली मिर्च और गुड़ बहुत कूट कूट के भरे गए हैं, जो कहते हैं ना स्वीटनेस, इन्हीं की वजह से आ रही है। लास्ट एंड फाइनल आई विल ट्राई दिस विद कर्ड, जिसमें ऊपर से डाला है भैया ने जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर। बहुत टेस्टी है, कड़ में भी स्वीटनेस देखने को मिलेगी। आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी चाट ट्राई करते हैं, उसमें कर्ड में ना एक सॉरनेस देखने को मिलती है, इससे ये पता लगता है कि कर्ड पुरानी है, बट यहाँ कर्ड बिल्कुल फ्रेश है, जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है जीरा का और काली मिर्च का, टेस्ट तो इसका मिठास झलक ही रही है। तो अब वक्त इसको हम ख़त्म करते हैं और जल्द से जल्द पार्ट टू का भी एंड करते हैं। तो चलिए पहले साथ मिलकर ख़त्म करते हैं इसे। गाइस मैंने तो कर लिया अपना पनीर चिलड़ा, चीला नहीं चिलड़ा फिनिश। वाकई में मैंने कभी ऐसा पनीर चिलड़ा तो ट्राई किया नहीं जिसमें इतनी सारी दालों का मिक्सचर हो, इतना पनीर की कोटिंग हुई हो, ऊपर से प्याज धनिया और उसके साथ इतने सारी चटनियां सब्जियां और दही सर्वड हुआ हो। मैंने तो कभी ऐसा चीला अपनी लाइफ में किया ट्राई किया नहीं, बट अब जो ट्राई करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला पनीर चिलड़े का एक्सपीरियंस वाकई में बहुत अमेजिंग था। अगर आपको भी ऐसे ही जो चिलड़े या चाट का शौक रखते हैं तो आप पीछे देख सकते हैं, नाम है अब बताने की ज़रूरत नहीं है, और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में तो दूंगा ही। तो वक्त आ गया है मसाला चौक वॉल्यूम 2 पार्ट 2, जो चिलड़े से रिलेटेड था वो ख़त्म करने का वक्त। पार्ट 3 में बनाऊँगा वहाँ बनना की लस्सी के ऊपर, राजस्थान की स्पेशल ठंडी ठंडी जो लस्सी होती है उसके ऊपर। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे एक बात और, पार्ट 1 के सारे वॉल्यूम, पार्ट 2 के सारे वॉल्यूम मैं डिस्क्रिप्शन पे तो दूंगा ही, ऑल्सो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे इसके प्रीवियस पार्ट के। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे,